हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे टर्म्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब कोई भी फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट पर हायर फ्रीक्वेंसी के सुटेबल रेडिएशन फॉल होते हैं तब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, इजेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे दो प्लेट्स दिख रही है, दैट इज इमिटर एक प्लेट जो कि इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगी कैक, और दूसरी प्लेट कलेक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेंगे। कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है एंड इमिटर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो जब भी सुटेबल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन लाइट यहाँ पे फॉल होगा तब एक एक करके इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इजेक्ट होंगे। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे ऐसे जम जाएंगे और धीरे धीरे ये कैथोड पॉजिटिव से कनेक्ट होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे और इस प्लेट से आके ऐसे वापस इस प्लेट पर आ जाएंगे घूम फिर के। मतलब यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बन जाएगा एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। बट ये जो करंट हमें मिला ये फोटोन के कारण मिला, अगर फोटोन नहीं फॉल होता था तो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होते थे, इजेक्ट नहीं होते थे तो वापस नहीं आते थे। मतलब ये दो प्लेट्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, स्टिल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर ओनली बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इसलिए ये जो करंट हमें मिला इसलिए उसको बोला गया फोटो करंट। सो पहली टर्म जो हमें देखनी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दैट इज फोटो करंट। ये कोई अलग करंट नहीं है, ये ऑर्डिनरी करंट ही है बच्चों, बस ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण दिखा इसलिए उसको नाम दिया फोटो करंट। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए लगने वाली एनर्जी इस रेडिएशन से मिलती है। इस रेडिएशन, इस लाइट की एनर्जी है h nu या hc/λ। रेडिएशन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर रिजेक्ट होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड दैट मिनिमम एनर्जी आएगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा, तो फ्रीक्वेंसी ही बदल सकती है, ठीक है। तो जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसको बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड एज थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो, ठीक है। मतलब आने वाले इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा चाहिए, शुड बी ग्रेटर। फोटो करंट के लिए फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर दैन थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू जीरो, उससे अगर कम आई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, अपने आप थोड़ी होगा, उसको एनर्जी लगेगी बाहर आने के लिए, ठीक है। तो ये है पहला टर्म, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड फोटो करंट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे एक एक करके इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमें फोटो करंट मिलेगा। अगर क्या हो, इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हम और पॉजिटिव करें और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दें इसका, तो धीरे धीरे सभी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर आ जाएंगे और पूरा करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब कलेक्टर प्लेट का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे 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 तो फोटो करंट भी बढ़ते जाएगा, बट एक पॉइंट के बाद वो फोटो करंट बढ़ने वाला नहीं क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, ठीक है। सो दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट, उस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। और उसका ग्राफ देखो जरा, सैचुरेशन करंट का हम देखें, यहाँ पे करंट, यहाँ पे पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, बट एक पॉइंट के बाद वो करंट कांस्टेंट रहेगा। देखो वाई एक्सिस पे वैल्यू इतनी ही है, एक पॉइंट के बाद करंट इंक्रीज नहीं होगा एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड एज सैचुरेशन करंट। अगर हम लोग कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो हमें ये मिलेगा सैचुरेशन करंट, ठीक है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है इंस्टेंटेनियस है, देर इज नो टाइम लैग, इसमें कोई टाइम का गैप लैग नहीं होता। जैसे कि एज सून एज रेडिएशन फॉल होंगे क्विकली इलेक्ट्रॉन भी बाहर आएंगे और फोटो करंट हमें यहाँ पे देखने मिलेगा।